क्या सच में BSNL पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कुछ ही परसेंटेज मिलेगी हाइक मार्केट के अंदर? ये आंसर किया गया है राज्यसभा में, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा ये आंसर आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि क्या प्रोजेक्शन रखी है और क्या नई टेक्नोलॉजी BSNL 4G के साथ आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है अदर्स टेलीकॉम के मुकाबले, क्या BSNL बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्ले करेगा आज की डेट में 4G के मामले में, और जैसे ही 5G में अपग्रेड करता है तो उसमें आपको क्या नया देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बात करी जाए तो जो अब दोबारा से फंड सैंक्शन किया गया है जो कि 22,471 करोड़ रुपए, और ये जो टोटल पीरियड है इस फंड का वो है 4 साल के लिए, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 2023 से आपको 2026 तक देखने के लिए मिलता है। इसमें टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने के लिए मिलता है। बात करी जाए तो BSNL 4G नेटवर्क जो मेनली फोकस कर रहा है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और जो सब कुछ निगरानी कर रहा है वो ट्राई कर रहा है जहाँ पे एक मजबूत स्थिति दिखाई देती है BSNL की कि कुछ भी किसी भी काम में हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। यहां पे फर्स्ट टाइम BSNL जो वर्क कर रहा है वो डिवीजन मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी, जो कि लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब IP पे बेस है और आपको एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है, और इससे मतलब कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। और जो एक मेन फोकस किया गया है जैसे कि वॉइस पे और जो आपकी डेटा इंटरनेट सर्विस होगी उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके अदर्स टेलीकॉम के मुकाबले, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस और नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको BSNL कुछ नया इंडिया में करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बात करी जाए तो अभी रिसेंटली बेटा ट्रायल लॉन्च किया गया था BSNL की तरफ से, जहाँ पे BSNL ने 4G साइट अपनी लाइव की थी, जिसके बाद अमृतसर और कुछ और सिटी के अंदर पूरी वीडियो चैनल पे डली हुई, तो वहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब में BSNL 4G आपको यूज़ करने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस किया गया है। अब आपको नेक्स्ट लॉन्चिंग जो देखने के लिए मिलेगी वो दिल्ली और मुंबई में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम होगा, आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो बात की जाए तो अपग्रेडेशन वर्क दिया गया है वो TCS और ITI लिमिटेड को दिया गया है, जो कि अराउंड 15,000 करोड़ रुपए में दिया गया है, जिसमें कि 1,00,000 4G साइट तैयार करनी है, और उसके बाद आपको सब कुछ अपग्रेडेशन के बाद BSNL 4G आपको प्रोवाइड करवा पाएगा। लेकिन बात करी जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम ही BSNL ने अपना चेंज कर दिया लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है सब कुछ अपग्रेड करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, सब कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद, जो BSNL है वो मार्केट में सिर्फ 20% हाइक मारेगा 4G नेटवर्क आने के बाद, जिसमें कि आप ब्रॉडबैंड सर्विस भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आप 4G स्पीड भी मतलब सर्विस जो BSNL लॉन्च करेगा उसके बाद क्या स्पीड का इफेक्ट रहेगा उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अदर्स टेलीकॉम 4G पे अब विराम लगा के कहीं ना कहीं जो अपग्रेड कर रहे हैं वो 5G के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि BSNL 4G इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा जो कि 5G इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप हल्के हल्के अपग्रेडेशन भी करते हैं तो 2026 तक पहुँचने की उम्मीद है, जिस तरीके से आपने फंड सैक्शन किया है उस कंडीशन में हम बात करें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है 2026 में इंडिया में 5G फुल्ली तरीके से आ भी जाता है तो फिर मात्र 4 साल के बाद आपको 6G टेक्नोलॉजी भी इंडिया में दिखाई देगी, जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। वो आपके लिए नहीं होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं टच होती हुई आपसे भी निकलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।